हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का न्यू चैप्टर, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नेम को ब्रेक करके समझ लेते हैं कि चैप्टर के नेम का मतलब क्या है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सबसे पहले हम लोग सेल डिवीजन को यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि हम लोग सेल चैप्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेल चैप्टर में हम लोग ने सेल थ्योरी को पढ़ा था। नाउ व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी के तीन मेन पॉइंट्स थे, तीन पोस्टुलेट्स थे। कौन कौन से थे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल के बने हुए होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल वहां पे होगी, अगर मल्टी सेलुलर है तो मैनी सेल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया था कि सेल है क्या। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड कैसी यूनिट है? फंक्शनल यूनिट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो बॉडी बिल्डिंग यूनिट है वो आपकी सेल है। थर्ड जो पॉइंट है वो किसने दिया था? रुडोल्फ वर्को ने दिया था, कि बताया था कि कैसे न्यू सेल बनती है, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो जितनी भी आपकी सेल्स बनती है वो ऑलरेडी जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रही होगी उसी से ही न्यू सेल बनती है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सपोज यहाँ पे एक सेल है, मैच्योर सेल है, अभी काम कर रही थी, बट जिस भी ऑर्गेनिज्म का या जिस भी ऑर्गन का ये पार्ट है उसमें न्यू सेल की रिक्वायरमेंट है। तो ये सेल आपकी डिवाइड हो जा रही है। सपोज यहाँ पे दो सेल में डिवाइड हो रही है, तो डिपेंड करता है किस टाइप का सेल डिविजन है, तो नंबर ऑफ सेल कितनी बन रही है। तो यहाँ पे हमने एक सेल ली जो कि आपकी दो सेल में डिवाइड हो गई। तो ये दो जो नई सेल बनी इनको बोलते हैं हम डॉटर सेल। जो ये दो यंग सेल बनी है इनको हम बोलेंगे डॉटर सेल, और जिससे बनी है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरेंट सेल। पेरेंट सेल तो डिवाइड हो गई, अब क्या पेरेंट सेल एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी, तो दो में डिवाइड हो गई, तो इसको इरेज कर देते हैं। दो न्यू डॉटर सेल यहाँ पे फॉर्म हो गई। सो द प्रोसेस ऑफ डिविजन ऑफ सेल इट इज नोन एज सेल डिविजन, जिसकी वजह से सेल आपकी क्या कर रही है? डिवाइड हो रही है। नाउ हियर सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल में साइकिल वर्ड इज हियर, मतलब किसी चीज का रोटेशन हो रहा है, बार 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 वो रिपीट हो रही है। सपोज अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की लाइफ साइकिल की, तो ह्यूमन की लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेज बेबी या फीटस स्टेज, उसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड के बाद टीनेज, टीनेज के बाद यंग एज आती है, यंग, यंग के बाद एडल्ट आते हैं, एडल्ट के और यंग स्टेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं, तो यहाँ पे न्यू जनरेशन भी आती है, न्यू जनरेशन। और जो एग्जिस्ट कर रही थी उस जनरेशन की क्या हो जाती है? ओल्ड स्टेज आने के बाद डेथ हो जाती है, ओल्ड स्टेज अल्टीमेटली डेथ। अब जो नई साइकिल होगी ह्यूमन की लाइफ स्पीसीज, जो स्पीसीज है ह्यूमन की, वो न्यू जनरेशन फिर से यही साइकिल को रिपीट करेगी। तो इस रिपीटेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइकिल। और क्योंकि लाइफ की दी गई है ह्यूमन की लाइफ की, इसलिए लाइफ साइकिल है। सिमिलरली सेल की भी आपकी साइकिल होती है, सेल की भी लाइफ की लाइफ साइकिल है, जिसके कि आपका नंबर ऑफ सेल बढ़ता रहता है, सेल मेंटेन रहती है। तो तभी आपका जो ये थर्ड पॉइंट दिया गया था सेल थ्योरी का, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सपोज हियर इट इज अ यंग सेल, एक ये यंग सेल है, तो यंग सेल क्या तुरंत डिवाइड हो जाएगी? नहीं, ये आपकी ग्रो हुई, साइज में ग्रो हुई, ग्रो होने के बाद फिर और फर्दर ग्रो हुई, अब इसकी ग्रोथ नहीं होगी फर्दर, ये मैच्योर हो गई, इसका रोल डिसाइड हो गया होगा, जो भी इसका फंक्शन होगा वो फंक्शन को परफॉर्म कर रही होगी, मैच्योर हो गई एंड अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रही होगी। सपोज जिस भी ऑर्गन का ये पार्ट है या ऑर्गेनिज्म का ये पार्ट है, तो वहां पे न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये सेल क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे हमने दो सेल में इसको डिवाइड कर दिया। तो ऑल द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स टू इट डिविजन, तो ऑल द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस बिटवीन, इसके बिटवीन में, बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल, सेल अभी बनी है, ऑफ सेल एंड इट्स डिविजन, यहाँ पे डिवाइड हो गई इस जगह पे, एंड इट्स डिविजन, इस सेल के बनने के बीच में से लेके और अब के डिविजन तक के जितने भी इवेंट होंगे
उसको हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे, सेल साइकिल में। फर्दर ये साइकिल यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, जो ये दो न्यू सेल आपकी बनी है ये साइज में अगेन ग्रो करेंगी, मैच्योर होंगी, अपने फंक्शन को जो भी परफॉर्म फंक्शन होगा उसको परफॉर्म कर रहे होंगे, और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स तो ये आपकी सेल डिवाइड हो जाएंगे, इसी को ही हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, एक सिंगल सेल से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, सिंगल सेल से। उस सिंगल सेल को हम लोग बोलते हैं जाइगोट, और ये जो जाइगोट है ये किससे बनता है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से। मेल गैमीट अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो स्पर्म है, और जो फीमेल गैमीट है ह्यूमन्स के केस में ओवम उसको बोलते हैं, या एग सेल बोल सकते हैं हम लोग। ये जाइगोट सिंगल सेल हम लोग जितने भी इतने बड़े से हो गए हैं, या अगर एलिफेंट की बात करते हैं, ब्लू व्हेल की बात करते हैं, कितने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, ये सबकी लाइफ जो है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, उस सिंगल सेल को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। तो कैसे एक सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म आपका पूरा डेवलप हो जा रहा है, तो ये जो सिंगल सेल है ये डिवाइड होती है, डिवाइड होगी जिसकी वजह से नंबर बढ़ेगा। एक सेल थी, दो में डिवाइड हो गई, फिर ये फर्दर और डिवाइड हो गई, ग्रो कर रही है, कुछ सेल्स में एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, सपोज ये सेल अब ग्रो करने लगी, ये डिवाइड नहीं हो रही है, फिर ये फर्दर डिवाइड हो गई, डिवाइड होने के बाद इनका रोल डिसाइड होता है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा नंबर बढ़ गया। नंबर के साथ साथ उन सेल्स जो डिवाइड हुई थी उनमें ग्रोथ भी हुई होगी, वो मैच्योर भी हुई होगी, और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनना है, कंप्लीट ऑर्गन बोल दीजिए, जो भी ऑर्गन बन रहा है ऑर्गेनिज्म। ये किसकी वजह से होता है, सेल डिविजन की वजह से होता है, और सेल जो डिवाइड हो रही है जब बनी और उसके डिविजन तक के टाइम पीरियड को हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। तो रीड कर लेते हैं कंटेंट को। ऑल हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स बिगिन देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल कॉल्ड ओवम विच इज फर्टिलाइज्ड बाय अ मेल गैमीट। ओवम में मेल गैमीट फर्टिलाइज होता है, और उस सिंगल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। सिंगल सेल जिसका नाम है जाइगोट से बनी हुई है, इस लाइन को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। बिगिन देयर लाइफ साइकिल एज अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। उस सिंगल सेल का नाम क्या है, जाइगोट। ये जाइगोट फर्दर डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनाता है, अभी ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो में फर्दर डेवलपमेंट होते हैं, तब जाके ऑर्गेनिज्म बनता है, प्लांट है या एनिमल। साथ ही साथ सेल का जो नंबर है वो सेल डिविजन से बढ़ता है, अ सेल इंक्रीजेस इट्स नंबर। किससे बढ़ रहा है, सेल जो डिवाइड हो रही है, डिवाइडिंग इनटू टू, आपका इस टाइप के डिविजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, आगे अभी हम लोग इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। आफ्टर विच ईच डॉटर सेल, जो नई डॉटर सेल बन, जो न्यू सेल फॉर्म हो रही थी उनको ही तो हम डॉटर सेल बोल रहे थे, ग्रो करेंगी और फिर से वो डिवाइड हो जाएंगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू सेल। सो इट इज दस ऑब्वियस दैट सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग ऑलवेज। क्या हमेशा सेल डिवाइड हो रही होंगी, अगर हमेशा डिवाइड होती चली जाएंगी, सपोज एक जायगॉट था वो कम्प्लीटली बार 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 बच्चा भी हो गया, बच्चे में फर्दर डिविजन हो रहा है, तो ग्रोथ कितनी बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल इंसान आपके आपके कितने फिट के हो जाएंगे, 10 फिट 12 फिट, फिर एक एक मंजिल के बराबर हो जाएंगे, आसमान को टच करने लगेंगे, ऐसा नहीं, लिमिटेड ही ग्रोथ होती है, बाद में एक लिमिटेड ग्रोथ के बाद वो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। अब जो भी ऑर्गन में सेल्स प्रेजेंट है वो काम कर रहे होंगे, अब उस ऑर्गन में सपोज सेल की रिक्वायरमेंट हो तब वहां पे न्यू सेल बनती है, एक सेल जो डिवाइड हो जाती है, एक या दो सेल। कुछ सेल्स ऐसी होती है जो एक बार बन गई डेवलपमेंट के टाइम में, फर्दर अगर वो डैमेज हो गई तो दोबारा डिवाइड होकर न्यू नहीं फॉर्म होती है, तो जितने भी आपकी न्यूरॉन्स हैं वो न्यू नहीं फॉर्म होती है, जो नर्वस सिस्टम की सेल्स है। So it is thus obvious that cells are not dividing always. हमेशा divide होती नहीं, अगर divide होती चले जाते हमारा number बहुत ज्यादा हो जाता cell का, वो size में grow करती और ऑर्गेनिज्म बहुत बड़े बड़े होते, ऐसा नहीं है, एक limited growth तक ही होता है। Instead there is a period of rest, rest का period होता है जिसमें वो काम करते हैं between the two successive division. दो cell जब divide हो रहे हैं, मतलब दो लगातार जो division हो रहे हैं, suppose ये cell थी, अभी newly formed cell थी, newly formed cell, अब ये क्या हुई, साइज में ग्रो कर गई, ग्रो करने के बाद अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, अब उस ऑर्गन में रिक्वायरमेंट हुई न्यू सेल की, तो ये फर्दर दो में डिवाइड हो गई। तो इससे पहले सेल डिवाइड हुई तभी तो ये बनी हुई होगी, तो ये एक डिवीजन जिससे ये बनी, और फिर फर्दर ये हो गया आपका दूसरा डिवीजन, ये आपका दूसरा जिससे इसने दो डॉटर सेल को बनाया। तो इसके बीच का जितना टाइम पीरियड है, जो इतना आपका ये सेल काम कर रही थी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज। इंटर मतलब क्या होता है, इन बिटवीन, और सेल डिवाइडिंग के बीच की जितनी भी फेज हो गई उसको क्या बोल दिया हमने, इंटरफेज।
साइकिल में जितने भी इवेंट्स आते हैं उसको, उसके फ्लो चार्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेल साइकिल क्या थी? ऑल द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन बिटवीन द सेल फॉर्मेशन टू इट्स डिविजन। सेल जब बनी है उसके डिविजन तक जितने भी इवेंट हो रहे हैं उसको सेल साइकिल में बोल रहे हैं, और लगातार दो सक्सेसिव सेल डिविजन के बीच की फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेज। तो यहाँ पे सेल साइकिल को हम लोगों ने दो फेजेस में डिवाइड कर दिया है। वन फेज इज नोन एज इंटरफेज, अनदर फेज इज नोन एज एम फेज। एम आपकी माइटोसिस भी हो सकती है, मियोसिस भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अभी उसको एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब सेल फंक्शन करती है उसमें सबसे ज्यादा काम हो रहे होते हैं उस फेज को हम बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज का दूसरा नाम है रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज, अब रेस्ट का मतलब क्या होता है? काम, आराम करना। तो रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, बट इट इज जस्ट अ मिसनोमर। ये आपका क्या है? सिर्फ एक मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब होता है नाम कुछ और काम कुछ और। सपोज यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया कि किसी का नाम मुस्कान है लेकिन वो रोता रहता है हमेशा, नाम अलग है और काम उसका अलग है। सिमिलरली रेस्टिंग फेज नाम दे रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो अब एक्टिव होती है सेल वो इंटरफेज पे ही होती है। इसमें सेल सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिज्म हम लोग ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव किसमें होती है? सबसे ज्यादा इंटरफेज में ही होती है बस। बट इसको रेस्टिंग फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेल एक्चुअल में यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रही, काम करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है डिविजन के लिए। इस स्टेज में दो काम होते हैं, एक तो या तो अगर किसी भी ऑर्गन का ये काम अगर पार्ट होगी ये भी जो पर्टिकुलर सेल है, तो या तो ये अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रही होगी। अगर फंक्शन को नहीं परफॉर्म कर रही है, सेल को डिवाइड होना है, तो अपने आप को डिविजन के लिए प्रिपेयर कर रही है। ये दोनों काम किसमें होते हैं? इंटरफेस में। और जब सेल डिवाइड हो रही होती है पूरी तरह से वो किसमें होते हैं? एम फेस में। एम फेस इज नोन एज डिवाइडिंग फेस। एक्चुअल में डिवाइडिंग डिविजन किसमें होता है? एम फेस में होता है। फर्दर इंटरफेस अगेन थ्री फेजेस में डिवाइडेड है, लिख देते हैं उसको भी। इंटरफेस इज अगेन डिवाइडेड इंटू थ्री फेजेस। फर्स्ट फेज इज नोन एज G1 फेज, नेक्स्ट S फेज एंड G2 फेज। G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, यहाँ पे G का मतलब है ग्रोथ, ग्रोथ वन फेज। और S का मतलब है सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। एंड G2 का मतलब अगेन ग्रोथ फेज टू। अब इस ग्रोथ फेज में क्या होता है या सिंथेसिस फेज में क्या होता है उनको डिस्कस करते हैं। सपोज ये सेल थी, यंग सेल है, अभी अभी फॉर्म हुई थी। एक कोई सेल आपकी डिवाइड हुई होगी, उससे दो सेल बनी, ठीक। एक डिवीजन ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन। इसके बाद ये क्या हुई? सेल साइज में ग्रो कर रही है। तो इस स्टेज का कोई ना कोई तो नाम होगा, इसको हम लोग इंटरफेस बोल तो रहे हैं। दो लगातार जो सेल डिवीजन हुआ उसके बीच की फेज, तो इसमें ये काम कर ग्रो कर रही है। ये क्या हुई? ग्रोथ हुई। इसमें क्या क्या बने होंगे? प्रोटीन बना होगा, एक आरएनए बना हुआ होगा, जो भी रिक्वायर्ड होंगे सेल ऑर्गेनल्स बन रहे होंगे, डेवलप हो रहे होंगे, सेल ऑर्गेनल्स हैं यहाँ पे। अब इस फेज को हम लोग बोलेंगे ग्रोथ वन फेज। इस फेज इज नोन एज ग्रोथ वन फेज। अब फर्दर इस सेल को सपोज डिवाइड नहीं करना है तो ये एंटर कर जाती है एक फेज में जिसको हम लोग बोलते हैं जी नॉट फेज। सपोज ये अब ग्रो हो गई, अब इसको सिर्फ काम क्या करना है? अपना फंक्शन को परफॉर्म करना है, डिवाइड नहीं होना। अभी डिवाइडिंग स्टेज पे इसको नहीं जाना है, किसमें जाना है? इसको फंक्शन को परफॉर्म करना है। तो ये एक थोड़ी देर के लिए एक फेज में आती है, उस फेज को हम लोग बोलते हैं जी नॉट फेज। जब तक ये फंक्शन कर रही होगी तो ये जी नॉट फेज में अरेस्ट हो जाती है। इस फेज को हम लोग क्वीसेंट फेज भी बोलते हैं। इस फेज में जो सेल होती है, जिस भी ऑर्गन का ये पार्ट है, उसके फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है, सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर नहीं करती है। तो हियर G1 फेज, सेल की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, प्रोटीन आरएनए आपका सिंथेसाइज हो रहा है, जो सेल के ऑर्गन है वो अच्छे से सारा काम कर रहे हैं। अब ये जो सेल है, अगर पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, उस ऑर्गन में न्यू सेल की फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये G1 के जी नॉट स्टेज फेज में ये अरेस्ट हो जाती है, जिस फेज को हम लोग क्वीसेंट स्टेज या फिर क्वीसेंट फेज भी बोलते हैं। बट इफ उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, उस जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन है, न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट है, न्यू सेल की रिक्वायरमेंट है,
तब ये जो सेल है ये जी नॉट को लीव करके, दैट मीन्स आप बोल सकते हो जी1 से ही किसमें एंटर कर रही है, एस फेज में। एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, बट जो क्रोमोसोम अभी बनेंगे वो आपके जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आपका सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। ठीक, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग एस फेज की। एस फेज जिसमें कि सिंथेसिस हो रही है डीएनए की, और डीएनए की सिंथेसिस को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए सिंथेसिस या डीएनए की कॉपी बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएनए क्या हो रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। सपोज आपको किचन में एक रेसिपी बनाने को बोला गया, और रेसिपी की आपकी पूरा जो भी है डिश बनाने को बोला गया उसकी पूरी रेसिपी दे दी गई, की पूरी सॉरी रेसिपी दे दी गई, डिश बनाने को बोला गया रेसिपी दे दी गई। अगर रेसिपी नहीं दी जाती तो आप कैसे बनाते, आपको उसके पूरे बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। रेसिपी दे दी गई, सामान लाओगे आप बना लोगे। सेम डीएनए के साथ भी है, डीएनए जो है वो हमारी सेल की एक तरह से रेसिपी है, कैसे बनेगी सेल, कैसे सेल काम करेगी, वो सब कौन कंट्रोल करता है, डीएनए। सो डीएनए इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अवर सेल। सेल सेल का ये क्या है, ब्लूप्रिंट है। सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है, डीएनए करता है। तो जब ये सेल जो आपकी पर्टिकुलर सेल है इसके अंदर जो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है ये दो सेल में डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इस सेल में आधी इंफॉर्मेशन चली गई और इस सेल में आधी इंफॉर्मेशन चली गई, दोनों में पूरी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाएगी। तो जब सेल ये डिवाइड होने वाली होगी तो अपने डीएनए के अमाउंट को क्या कर लेगी, डबल कर लेगी। ये इंटरफेस की एस फेज में होता है। आफ्टर दैट डीएनए डबल हो चुका है, अब ये सेल क्या करेगी, अपने आप को प्रिपेयर करेगी फॉर द डिविजन, जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उसके बाद इंटरफेस के बाद जिसको सेल डिविजन बोलते हैं उसके लिए ये प्रिपेयर करेगी। दैट स्टेज इज नोन एज ग्रोथ टू। ग्रोथ टू में मोस्टली आपके वो प्रोटीन एंड वो आरएनए की सिंथेसिस होगी जो कि सेल डिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। सेल डिवीजन के लिए आपका रोल, सेल डिवीजन में रोल प्ले करेंगे, सेल डिवीजन में रोल प्ले करेंगे। तो अब क्या कर रही होगी, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है पूरी तरह से सेल डिवाइड होने के लिए, सेल डिवीजन के लिए। तो हम लोगों ने इंटरफेस की तीन फेसेस को स्टडी कर लिया है, रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले ये जो सेल थी, अभी न्यूली फॉर्म्ड सेल थी, न्यूली फॉर्म्ड सेल, ये पहले तो साइज में ग्रो कर रही है। जब साइज में ग्रो कर रही है तो न्यू आरएनए एंड न्यू प्रोटीन बन रहा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ वन। इसी ग्रोथ वन में अगर फर्दर उस पर्टिकुलर सेल में या जो ऑर्गन है या ये पर्टिकुलर सेल है फंक्शन को परफॉर्म कर रही है और सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है उस ऑर्गन में, तब ये जी नॉट फेज में अरेस्ट हो जाएगी। इसको हम क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा ये एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। इंटरफेस में भी ये सबसे ज्यादा एक्टिव इसी फेज में जी नॉट में, क्यों जबरदस्ती में डिवाइड होती चली जाएगी, काम भी तो करेगी उस पर्टिकुलर ऑर्गन में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लिवर की, लिवर अपनी तरह अपने साइज में पूरा फुली ग्रो हो चुका है, तो यहाँ पे जो लिवर की सेल्स हैं वो क्या लगातार डिवाइड होंगी? अगर लगातार डिवाइड होंगी लिवर आपका बढ़ता चला जाएगा और बॉडी से बाहर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। एक पर्टिकुलर इसके जो साइज है वो फिक्स होता है। तो यहाँ पे जितनी भी सेल्स हैं वो किस स्टेज पे अरेस्ट है, जी नॉट फेज। और ये जी नॉट किसकी फेज है, जीवन के अंदर आती है, क्यों इसको हम लोग बोलते हैं क्वीसेंट फेज। ये काम कर रही है बट सपोज कुछ सेल्स लीवर की क्या हो गई, डैमेज हो गई, तब जाके कुछ सेल्स क्या करेंगी, जो सराउंडिंग सेल्स होंगी वो डिवाइड होंगी, लेकिन सारी की सारी सेल्स डिवाइड नहीं होती। अगर डिवाइड हो जाएंगी तो जस्ट डबल हो जाएगा नंबर, साइज आपका बढ़ जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा आपका वहां पे लिवर का, ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं जी नॉट फेज। लेकिन जब नई सेल्स की रिक्वायरमेंट हुई तो ये जी नॉट फेज से सेल किसमें एंटर कर जाती है, एस फेज में। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, रेप्लिकेटिव फेज भी बोलते हैं, क्योंकि डीएनए की कॉपी बनती है, क्योंकि डीएनए के पास ही सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो क्योंकि ये सेल आपकी दो डॉटर सेल में डिवाइड होगी, उनमें दोनों के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और डीएनए के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है तो डीएनए की दो कॉपीज होनी चाहिए। जितना भी डीएनए कंटेंट है उसकी एक एक कॉपी एक्स्ट्रा और होनी चाहिए, तो डीएनए का अमाउंट डबल होता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर रिमेन सेम रहता है। इसको हम लोग एस फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं, और जी1 फेज सिंथेसिस फेज से पहले हो रही है तो इसको हम लोग प्री सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हैं, सिंथेसिस फेज से पहले हो रही है। अब जब एस फेज में सेल एंटर कर गई तब इसका मोटो है कि इसको अब डिवाइड होना ही है, कंपल्शन ही है, अब ये रिपीट फिर से जी1 फेज में नहीं जा सकती है। तो इसके
जब डीएनए पूरी तरह से रेप्लिकेट हो गया है, अब वो प्रोटीन और वो आरएनए बनेंगे जो कि सेल डिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, सेल डिवीजन में रोल प्ले कर रहे हैं, वो आरएनए बनेंगे जो एम फेज में काम आएंगे। तो ये तीन फेजेस हैं इंटरफेज की। इस फेज में तो सेल सबसे ज्यादा काम कर रही है, सबसे ज्यादा टाइम इसी में ही आपका लगता है, 95% जो सेल है अपना टाइम 95% इसी स्टेज में रहती है, 5% टाइम में ये डिवाइड हो जाती है। अगर 24 घंटे की बात करते हैं, सब सारी सेल्स का टाइम वेरी करता है, ईस्ट की सेल 90 मिनट में ही डिवाइड हो जाती है, ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सेल्स की, तो सपोज 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 23 घंटे तो वो इंटरफेस में है, अगर पर्टिकुलर सेल की बात कर रहे हैं, 1 घंटे में वो डिवाइड हो जा रही दो सेल में, तो ज्यादातर टाइम ये इंटरफेस में ही स्पेंड करती है। नाउ रीड द कंटेंट। इंटरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड द रेस्टिंग फेस, विच इन स्ट्रिक्ट सेंस इज अ मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब हम लोगों ने समझ लिया था कि नाम कुछ और काम कुछ और, रेस्टिंग फेस तो है ही नहीं। सबसे ज्यादा तो एक्टिव मेटाबोलिकली एक्टिव इंटरफेस में ही होती है। मेटाबोलिज्म क्या था, जितने भी रिएक्शन सेल के अंदर हो रही हो, जितना भी फंक्शन सेल के अंदर हो रहा है उसको मेटाबोलिज्म बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा काम इसी में हो रहा है इंटरफेस में, तब भी रेस्टिंग फेस बोल रहे हैं क्योंकि सेल डिवाइड नहीं कर रही है बस, बिकॉज इट इज अ पीरियड ऑफ इंटेंस बायोसिंथेटिक एक्टिविटी। इसमें बहुत ज्यादा बायोसिंथेटिक मतलब लिविंग है, सेल है और वहां पे सिंथेसाइज हो रहे हैं सब्सटेंसेस, तो बायोसिंथेटिक प्रोटीन बन रहा है सारा कुछ, आरएनए बन रहे हैं, तो बायोसिंथेटिक फेज है ये। विच इज इन विच सेल डबल इट्स साइज, सेल का साइज डबल हो रहा है, डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोजोम कॉम्प्लीमेंट। क्रोमोजोम कॉम्प्लीमेंट मतलब जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो रहा है। इंटरफेज इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द फेज ऑफ डिवीजन, जिसको एम फेज बोल रहे थे, इस फ्लो चार्ट में हमने ड्रॉप भी करा था। ये इंटरफेज थी और दूसरी फेज कौन सी थी, एम फेज थी। एम फेज को हम लोग डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं। बोथ ऑफ दीज फेजेस कंस्टिट्यूट द सेल साइकिल, और ये दोनों ही कंस्टिट्यूट क्या करती है सेल साइकिल, सेल के बनने से लेके सेल के डिवाइड होने तक। हॉवर्ड एंड पेल्क हैव डिवाइडेड द एंटायर साइकिल इनटू फोर सक्सेसिव फेजेस। फोर सक्सेसिव फेजेस कौन सी हो गई, जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज। ये तीनों किसका पार्ट है आपका, इंटरफेज का या फिर रेस्टिंग फेज का। और एम फेज में सेल एक्चुअली में डिवाइड हो रही है, इंटरफेज में सबसे ज्यादा टाइम अपना ये स्पेंड करती है सेल। तो हियर डायग्राम के थ्रू देखिएगा, ये पूरी आपकी सेल साइकिल का दिया गया है। जी1 फेज सबसे पहले पे, जी1 फेज, फिर इसके बाद एस फेज सेकेंड नंबर पे, एंड थर्ड नंबर पे जी2 फेज, ग्रोथ फेज 2। अभी ये सेल बनी, ये देखिए यहाँ पे ये सेल बनी हुई है, अभी अभी ये न्यूली फॉर्म्ड सेल है, दिस इज अ न्यूली फॉर्म्ड सेल। सेल अब ये न्यूली फॉर्म्ड सेल्स ग्रो हुई साइज में, जीवन स्टेज में एंटर हो गई, सेल का साइज भी डबल हो गया, जो भी कंटेंट है वो भी इंक्रीज कर गया सेल में। तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है यहाँ पे, डुप्लीकेट ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल बढ़ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाएगा अगर ज्यादा मसल्स की सेल है तो, क्योंकि वहां पे ज्यादा फंक्शन हो रहा है, तो जितने भी सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी वो आपके डबल हो जाएंगे। साइटोसोलिक कंपोनेंट, साइटोप्लाज्म में जो चीजें प्रेजेंट है, आरएनए है, प्रोटीन है, सारा कुछ। सेल स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल का है, उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट ही हुआ होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है, स्टार्ट हो गया, ट्रिगर हो गया। इफ सेल अगर डिवाइडिंग स्टेज में एंटर नहीं करनी है, सिर्फ वो फंक्शनली एक्टिव हो रही है जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन का पार्ट है, तब ये जी नॉट स्टेज में एंटर कर जाती है, एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल नॉन डिवाइडिंग सेल, मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल साइकिल में एंटर कर जाएगी, फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, अगर रिक्वायरमेंट होगी तभी ये डिवाइड करेगी। और इसका जो टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 आवर्स तक होता है। काम कर रही होगी तो ये तो जी नॉट फेज में, जब तक काम कर रही होगी तब तक, जब रिक्वायरमेंट होगी तभी ये डिवाइड होगी, अदरवाइज अगर लगातार सेल डिवाइड हो रही है तो 8 से 10 घंटे तक इसी जी1 फेज में ये सेल रहती है। आफ्टर दैट वहां पे न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये जीवन को छोड़ के कौन सी फेज में सेल एंटर कर जाती है, एस फेज में, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट होता है और सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल आपके पूरे डिवाइड हो जाते हैं, जो एनिमल सेल का फीचर है। सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट कर गया, सेंट्रोसोम 2 बन गया, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। ये कितनी देर के लिए होता है, 6 से 8 घंटे के लिए। इसके बाद अब अगर डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है तो ये कंपल्शन है कि वो अब डिवाइड ही होगी, आगे ही प्रोसीड ऑन करेगी अपनी साइकिल को, तो ये जी2 फेज में एंटर कर जाती है, जो 4 से 6 घंटे के लिए होती है।
सेल की ग्रोथ तो होती ही है, साथ ही साथ एंजाइम बनते हैं, अदर प्रोटीन भी बनते हैं। कौन से प्रोटीन और एंजाइम बनेंगे? दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन ऑफ द सेंट्रोजोम एंड एज वेल एज फॉर द डिविजन ऑफ द सेल। यहाँ पे आप सिर्फ ये याद रखिएगा, जो सेल जो नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर रही है, वो जो एम फेज है, सेल की डिविजन में जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो सिंथेसाइज होंगे। एंड अल्टीमेटली ये सेल एंटर किस में कर जाएगी? उसके बाद एम फेज में। और यहाँ पे एम फेज कौन सी देगा? ये माइटोटिक फेज को दिया गया है। माइटोटिक फेज अगेन दो फेजेस में डिवाइडेड डिवाइड होती है। यहाँ पे लिख देते हैं, जो एम फेज है, अगर हम बात करते हैं माइटोसिस की, माइटोसिस हर एक सेल के अंदर माइटोसिस होता है, एक्सेप्ट गैमेटिक सेल। जो रिप्रोडक्टिव सेल है वहां पे मियोसिस होता है। अगर कहीं रिपेयर करना है, कहीं पे इंजरी हो गई है, या आपकी ग्रोथ हो रही है, बेबी जो आपका बड़ा हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जायकोट में आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पे माइटोसिस डिविजन होता है, जिसमें कि जो आपका क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहता है। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, इन द सेंस अगर हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो 23 पेयर में ही रहते हैं डॉटर सेल में। लेकिन एक दूसरा डिवीजन होता है मियोसिस, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि मियोसिस में आपका जो रिप्रोडक्टिव सेल्स बन रही है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनाती हैं, तो हाफ सेट कम्स फ्रॉम द मेल साइड एंड हाफ सेट कम फ्रॉम द फीमेल साइड, जिससे कि कंप्लीट सेट हो जाता है। तो मियोसिस में ही आपका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ होता है, लेकिन माइटोसिस में नहीं होता। तो जनरली हर एक सेल में, बॉडी की हर एक सेल में माइटोसिस होता है, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल। तो माइटोसिस को हम लोगों ने दो फेजेस में डिवाइड किया। वो दो फेजेस कौन कौन सी हैं? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का डिवीजन इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब टू डिवाइड, तो कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड साइटो मींस साइटोप्लाज्म, एंड काइनेसिस अगेन डिवाइड, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो अगेन कैरियोकाइनेसिस आपकी चार पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसको हम लोग शॉर्ट में पी मैट बोल दे रहे हैं, मैंने सीक्वेंस में पी मैट। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज हम लोग सिर्फ सेल साइकिल के इंटरफेस को, क्या सेल साइकिल क्या होती है, इंटरफेस की फेजेस को हम लोग ने डिस्कस किया है। यहाँ पे दिया गया है माइटोटिक फेज में, एम फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये एक साथ है आपकी कैरियोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे नहीं दिया गया है, एक हल्का सा लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी लिख लीजिएगा। साइटोकाइनेसिस मींस डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तब आपकी ये दो सेल फॉर्म होती है। कंटेंट को रीड कर लेते हैं, सारी इंटरफेस की सारी फेजेस के। जीवन फेज, सबसे पहले जीवन फेज, ग्रोथ वन फेज है, सेल डिवाइड अभी डिवाइड ही हुई थी, इट इमीडिएटली फॉलोज द फेज ऑफ डिविजन। जैसे ही डिवाइड होती है, उसके बाद आपकी जीवन फेज स्टार्ट हो जाती है। इसको हम लोग प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, क्योंकि डीएनए आपका सिंथेसाइज एस फेज में हो रहा है, तो इससे पहले वाली फेज है, इसलिए प्री नाम दे दिया। किससे पहले है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए वाली फेज से पहले, इसलिए प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। प्री मतलब पहले, डीएनए सिंथेसिस एस फेज से पहले। दिस फेज इंक्लूड द सिंथेसिस ऑफ द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम नेसेसरी फॉर डीएनए सिंथेसिस। जो भी नेक्स्ट फेज होगी, उसके लिए आपने आपको प्रिपेयर करेगी, डीएनए के सिंथेसिस के लिए जो भी एंजाइम और सब्सट्रेट की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपका जीवन फेज में होगी। सेल ग्रो कर रही है, साइज में डबल हो रही है, फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, वो सब आपका जीवन फेज में होगा। देयरफॉर जीवन फेज इज मार्क्ड बाय द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना। डीएनए से, डीएनए ही ब्लूप्रिंट है, और ये डीएनए मालिक की तरह न्यूक्लियस में रहता है। पूरे सेल को कंट्रोल कौन करता है? डीएनए करता है। तो मालिक तो कभी नहीं जाता है ना कि हाँ सबको बताए ये काम करो ये काम करो, वो तो उसका जो पीए होता है उसको देता है। तो यहाँ पे पीए का काम कौन करता है? आरएनए। तो डीएनए की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आरएनए में कॉपी हो जाती है, आरएनए बाहर आता है न्यूक्लियस के और काम बता देता है क्या क्या करना है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो जीवन फेज में ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ आरएनए होता है, जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए है वो आरएनए में कॉपी हो जाती है, एंड आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। भाई जो मालिक था डीएनए था, डीएनए ने अपने पीए को, तो डीएनए मालिक था, डीएनए ने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन थी पीए को दे दी, पीएनए ने, जो पीए है, जो पीए है वो आरएनए है, यहाँ पे आरएनए ने सारे ऑर्गेनल को बता दिया कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना है, काम हो गया। तो इस आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है और आरएनए बन रहा है, यही तो अभी हम लोगों ने स्टडी किया था। जीवन फेस में प्रोटीन एंड आरएनए बनेगा, और मोस्टली आपके सेल के जो फंक्शन हो रहे हैं उसके लिए बनेगा, और जो सेल अगर डिवाइड हो रही है तो नेक्स्ट स्टेज जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसके लिए बन रहे होंगे।
द रेगुलेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल्स अकर प्राइमरली बाय अरेस्टिंग इट एज स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ जीवन. स्पेसिफिक पॉइंट है जीवन का, जहां पे ये ग्रोथ आपकी जो सेल डिवीजन वाला पॉइंट है रुक जाता है, सेल डिवाइड नहीं होती है, अरेस्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर फेज में, उसको हम लोग बोलते हैं जी नॉट फेज. इस पे ये काम कर रही होगी, अगर कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड होती चली जाएंगी तो ये काम कब करेंगी, और ग्रोथ हमेशा आपकी कंटिन्यू होती रहेगी, कभी ऐसा नहीं किसी की अनलिमिटेड ग्रोथ हो गई, नहीं. अगर सेल लगातार डिवाइड होती चली जा रही है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कैंसर. कैंसर में सेल का डिविजन होता है स्टॉप ही नहीं होता है. सेल अगर बनी अभी दो सेल में डिवाइड हो गई, फर्दर ये दो सेल में डिवाइड हो गई, ग्रो ही नहीं कर रही है, तो काम कब करेगी, और डिविजन में अपना न्यूट्रिशन तो ले ही रही है. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन कंडीशन चेंजेस ग्रोथ इज रिज्यूम्ड. अब रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में नई सेल्स की, तो ग्रोथ फिर से रिज्यूम हो जाती है और सेल फिर से एंटर कर री एंटर कर जाती है जीवन फेज. जीवन फेज में तो थी, एक जी नॉट में चली गई थी साइड में, फिर से जीवन में ही आ गई. जीवन पीरियड इज मोस्ट वेरिएबल इन नल. सब में जीवन पीरियड सारी टाइप की सेल्स में वेरी करता है, और सबसे ज्यादा टाइम भी जीवन फेज में ही लगता है, लेकिन सेल टू सेल में भी ये वेरी करता है. डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सेल इट मे लास्ट डेज मंथ और ईयर्स. जीवन फेज में सेल एक दिन भी रह सकती है, मंथ में भी रह सकती है, सालों तक भी रहती है. जो नर्व सेल है एक बार डेवलप हो गई, फिर अगर कोई भी नर्व सेल न्यूरॉन डैमेज हो जाता है तो न्यू नहीं बनता है, तो दैट मीन्स वो सालों तक उसी की नॉट स्टेज में एंटर है रह रही है सेल. फॉर अ सेल साइकिल ऑफ 24 आवर ड्यूरेशन, अगर कोई एक सेल साइकिल है 24 आवर ड्यूरेशन की, तो जीवन जो फेज है वो फर्स्ट 10 आवर्स इसी में ही आपके जीवन फेज में ही चले जाते हैं. जीवन फेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है. स्पेशलाइज सेल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ देयर साइकिल इन जीवन फेज. स्पेशलाइज सेल का यहाँ पे मतलब क्या है, जो सेल मैच्योर हो गई हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएट हो गई हैं. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था लिवर का. अब लिवर पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, उसकी जो सेल्स हैं वो लिवर के जो भी फंक्शन होगा उसको परफॉर्म कर रही होंगी, तो उनको बोलेंगे कि वो सेल्स आपकी स्पेशलाइज हो गई हैं, डिफ्रेंशिएट हो गई हैं. तो वो अपना सबसे ज्यादा टाइम किसमें स्पेंड करती हैं, जीवन फेज में. अब जो अगर सेल की रिक्वायरमेंट है तो सेल जीवन फेज से किसमें एंटर कर जाएगी, एस फेज में. एस फेज को हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं, और डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो एस फेज में होता है. हिस्टोन जो डीएनए के साथ प्रेजेंट होते हैं कंबाइंड फॉर्म में, वो भी आपके बनेंगे और ऑल्सो सिंथेसाइज ड्यूरिंग दिस फेज एंड बिकम एसोसिएटेड विद द न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए. जो डीएनए है वो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ है. ह्यूमन सेल की बात करते हैं, ह्यूमन का पूरा डीएनए की जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर का है, और जो न्यूक्लियस का साइज है, इसकी जो डायमीटर है, इट इज अराउंड 6 माइक्रोन मीटर. 6 माइक्रोन कितना होता है, 1 मिलीमीटर. सब देखा होगा सबने स्केल में, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक बीच में 10 लाइनें हैं, दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस 1 मिलीमीटर. इस 1 मिलीमीटर को आप 1000 पार्ट करो, 1000 पार्ट का एक पार्ट ले लो, 1 पार्ट, वो 1 पार्ट आपका 1 माइक्रोन मीटर होता है. तो ऐसे 6 पार्ट लिए तो वो आपके 6 पार्ट हो गए. तो आप समझ सकते हो कि 1 मिलीमीटर के आपने 1000 पार्ट करे, उस 1000 के 6 पार्ट ले लिए, वो आपका 6 माइक्रोन है. उतना छोटा सा आपका न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे प्लेस्ड होगा, कॉइल्ड फॉर्म में. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में है, लेकिन डीएनए तो आपका निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो ये रिपेल करेगा, क्या प्लेस कर पाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, नहीं. तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर बाइंड रहता है, तब ये न्यूक्लियस के अंदर प्लेस हो जाता है कॉइल्ड फॉर्म में. उन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन को ही हम लोग हिस्टोन बोलते हैं. अगेन सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए. डीएनए बहुत लेंथ में बड़ा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. तो डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर रखना है तो हम किसके फॉर्म में रखेंगे, कॉइल फॉर्म में रखेंगे. लेकिन ये डीएनए निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो इतनी जरा सी जगह में रखेंगे कॉइल फॉर्म में तो रिपेल करेगा, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ पैक होता है. उन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, तो वो भी आपके हिस्टोन प्रोटीन भी बनेंगे. अब इसमें ड्यूरिंग दिस फेज यूक्रोमैटिन रीजन ऑफ द जीनोम रेप्लिकेट अर्लियर देन द हेटरोक्रोमैटिन रीजन. डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इसको भी गॉड ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाया है. जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पूरा डीएनए अगर 100% है तो हमारे सिर्फ 2% डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, और वो 2% डीएनए की इंफॉर्मेशन पूरे में बिखरी हुई है सेगमेंट्स में, अलग अलग जगह पे. तो जहां पे जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो आपका लूजली पैक्ड होता है, उसको यूक्रोमैटिन बोलते हैं, और जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं वो टाइटली पैक्ड होता है, उसको हेटरोक्रोमैटिन रीजन बोलते हैं. यहाँ पे एक बार बना देते हैं, ये आपका सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए. सपोज इतने रीजन में
यहाँ पे डेंसली पैक्ड है, इतने इतने जो येलो से मैंने शो किया उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको हम लोग कौन सा रीजन बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या थे, डीएनए प्लस स्टोन से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। तो डीएनए और स्टोन पैक हो गया तो क्रोमैटिन हो गया, और जो लूजली पैक्ड है उसको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन ये हम लोगों ने और ये भी स्टडी किया था जब सेल चैप्टर पढ़ा था उसमें, यूक्रोमैटिन। तो पहले किसकी सिंथेसिस होती है आपकी, यूक्रोमैटिन रीजन की एंड देन हेट्रोक्रोमैटिन की। तो पहले आपका जो लूजली पैक्ड होगा, लूजली पैक्ड की जल्दी सिंथेसिस हो जाएगी, उसके बाद आपका डेंसली पैक्ड वाले की होगी। मोर एवर इन सम सेल्स जीसी रीजन ऑफ द जीनोम रेप्लिकेट अर्लियर देन द 81। अब जीसी 80 क्या है, डीएनए, डीएनए की जो यूनिट है उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड तीन यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो ये नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, ए टी जी सी, दो स्ट्रैंड थे डीएनए के, यहाँ पे ही ड्रॉ करते हैं छोटे से, ये दो स्ट्रैंड थे। तो इसमें ए के सामने हमेशा टी आता है, टी के सामने हमेशा ए आता है, जी के सामने हमेशा सी और सी के सामने हमेशा जी, ये हम लोगों ने रीड किया था। तो पहले कौन सा रीजन रेप्लीकेट करता है, जीसी रीजन, गुआनिन एंड साइटोसिन वाला, और फिर आपका कौन सा सिंथेसाइज होता है, एटी। सेंट्रोसोम भी आपका डुप्लीकेट होता है एस फेज में। सेंट्रोसोम एनिमल सेल का फीचर है जो सेल डिविजन में रोल प्ले करता है, वो भी आपका एस फेज में ही होगा सेंट्रोसोम। नेक्स्ट फेज है जी टू फेज। सेल ग्रो हो गई, साइज में ग्रो हो गई, आरएनए भी बन गया, प्रोटीन भी बन गया, सेल ने अपने डीएनए के कंटेंट को भी डबल कर दिया। अब वो प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होगी जो कि सेल डिवीजन में रोल प्ले करेंगे। सेल की फंक्शन मतलब जो सेल जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन का रोल प्ले कर रहे हो उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, सेल आगे फर्दर एम फेज में जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो सारा कुछ यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोस्ट डीएनए सिंथेसिस। पोस्ट क्यों, डीएनए सिंथेसिस के पहले वाली को प्री बोला था, तो और पोस्ट मतलब बाद में होता है, तो इसको हम लोग पोस्ट डीएनए सिंथेटिक सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। इट इज द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द डीएनए सिंथेसिस एंड द स्टार्ट ऑफ द सेल डिवीजन। इंटरफेज में सबसे पहले जी1 थी, फिर एस थी, फिर जी2 थी, इसके बाद एम फेज स्टार्ट होगी। एम फेज को डिवीजन फेज भी बोलते हैं। तो डिवीजन फेज से पहले की और सिंथेसिस फेज से बाद की फेज है, तो ये किसके बीच में है आपकी, बिटवीन एंड ऑफ द डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस एंड हो गया है और स्टार्ट क्या हो गया है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, प्रिपेयर कर लिया सेल ने अपने आप को। सपोज कोई बच्चा है यहाँ पे, आपका अगर नीट का भी एग्जाम है, तो नीट का एग्जाम आज आपने याद किया कल दे दिया, ऐसा होता नहीं, साल भर आप प्रिपरेशन करते हो, दो साल प्रिपरेशन करते हो, और वो एक दिन आपका डिसाइड कर लेता है आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो सिलेक्शन का डिसाइड हो रहा है एक ही दिन में, लेकिन जब आपने आपको अपने आपको प्रिपेयर किया था कितना लंबा समय था। सिमिलरली यहाँ पे भी सेल ने अपने आपको प्रिपेयर किया, उसमें सबसे ज्यादा इंटरफेस में सबसे ज्यादा टाइम दे रही है, लेकिन जब सब डिवाइड होगी आपका एम फेज में तुरंत डिवाइड हो गई, तो जी टू फेज में भी आपका सेल अपने आपको प्रिपेयर करके उसके बाद फर्दर डिवाइड हो जाएगी। ड्यूरिंग दिस फेज ऑल द मेटाबोलिक एक्टिविटीज कंसर्निंग द ग्रोथ ऑफ द साइटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट बढ़ा एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर परफॉर्म्ड। जो सेल की ग्रोथ है, जो ऑर्गेनल्स की रिक्वायरमेंट है, सारा कुछ हो रहा होगा जी टू फेज में। The factors necessary for chromosome condensation during mitosis are also synthesized during this phase. अब यहाँ पे क्रोमोसोम वर्ड आया, what do you mean by chromosome? Cell, again nucleus and ये DNA. DNA किसके साथ present होता है nucleus के अंदर, DNA plus positively charged protein जिनको हिस्टोन बोलते हैं। इससे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। तो अगर कोई भी सेल अगर रेस्टिंग स्टेज में डिवाइड नहीं हो रही, तो वो क्रोमैटिन के फॉर्म में ही डीएनए प्रेजेंट होता है। बट ये आपका जब सेल डिवाइड हो रही होगी, तो ये क्रोमैटिन पैकेज्ड फॉर्म में आ जाते हैं। उस पैकेज्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। थ्रेड फॉर्म में था डीएनए, और ये किस तरह से होता है, ये डीएनए अगर हम और मॉलिकुलर लेवल बनाए, तो डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ ये अटैच हो जाता है, ये प्रोटीन हो गया, दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं, ये आपके प्रोटीन, इसके ऊपर डीएनए पैक हो गया, फिर प्रोटीन, ये बीड्स ऑन, लेकिन दिखता कैसे, ये थ्रेड लाइक ही दिखता है, इसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं।
अब सेल अगर एम फेज में एंटर कर जाती है तब ये पैकेज फॉर्म लेते हैं जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। कोई भी चीज अगर आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो तो यहाँ पे डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है, एक सेल से वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, जितना भी डीएनए कॉपी है वो एक एक कॉपी पूरी पूरी कहाँ पे चली गई, दोनों अलग अलग सेल्स में पेयर के फॉर्म में ही जाती है पूरा सेम कंटेंट। तो भाई पैकिंग करके ही तो लेके जाते हो, आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, आप बुक लेके गए, पैक करके बैग में लेके गए, वहां पे ओपन करी, काम किया, जितना भी काम हो रहा है तो ओपन फॉर्म में रखते हो, ऐसा तो नहीं बैग में पैक ही रहता है, नहीं। फिर उसके बाद घर आते हो दोबारा से तो वो पैक करके लेके आते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे डीएनए के साथ भी है, जब सेल डिवाइड हो रही होती है तो जो ओपन फॉर्म है डीएनए की क्रोमेटिन के फॉर्म में वो किसमें आ जाते हैं, क्रोमोसोम के फॉर्म में, और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ले लेते हैं कुछ इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बनने के लिए भाई पैकेज होने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब आपका G2 फेज में होता है। तो अगेन रीड दिस लाइन, द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर क्रोमोसोम कंडेंसेशन, क्रोमोसोम बनने के लिए, कंडेंसेशन में पैक होने के लिए ड्यूरिंग माइटोसिस आर ऑल्सो सिंथिसाइज, जो भी फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो भी आपका G2 फेज में ही सिंथिसाइज हो जाते हैं। ड्यूरिंग G2 फेज अ सेल कंटेन टू टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है बट क्रोमोसोम का अमाउंट डबल नहीं होता है। सपोज आपका ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसकी दूसरी कॉपी बनती है और दोनों एक पॉइंट से कनेक्टेड, पूरे में ऐसा नहीं होता है, पूरे में बिखरे हुए, अमाउंट डीएनए का डबल हो गया है। आप जेरोक्स वाले के पास गए और ये ओरिजिनल कॉपी दी आपने, उससे कहा कि इसकी फोटोकॉपी कर दो, और दोनों को एक पॉइंट से पंच कर दिया, तो उसको सिंगल ही काउंट करा जाएगा, डबल भी हो गया लेकिन एक साइड तो वो पंच हो गया। तो ड्यूरिंग G2 फेज अ सेल कंटेन टू टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द ओरिजिनल डिप्लॉइड सेल। इसके बाद सेल डिवाइडिंग स्टेज में आ जाती है, इसको एम फेज या फिर फेज ऑफ डिविजन भी बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज सेल डिवाइड, एक्चुअल में इसी फेज पे सेल डिवाइड होती है, इसको दो फेजेस में हम लोगों ने डिवाइड किया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब टू डिवाइड। तो पहले आपका सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लास्ट डिवाइड होता है, दिस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस आपके फॉलोइंग टाइप्स के हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का ऑर्गेनिज्म या किस टाइप की सेल है। ए माइटोसिस का मतलब होता है कोई भी पैटर्न वहां पे, कोई भी स्टेजेस फॉलो नहीं है, ये सेल थी, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस था ये न्यूक्लियस दो में ऐसे ही डिवाइड हो गया, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हुआ और ये दो सेल साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस, और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, इट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस फेज होती है जिसमें एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है, अगेन यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस फर्दर बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड है, तो ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे। मियोसिस आपका रिप्रोडक्टिव सेल में होती है जिसमें कि डीएनए का कंटेंट जो होता है जो पेयर फॉर्म में होता है वो हाफ हो जाता है, जिससे आपके स्लीपर्स है वो पेयर में रहती है, कभी ऐसा नहीं होता एक स्लीपर पहन के ही हर जगह चले जाओ, नहीं, एक पैर में पहनी एक पैर में नहीं। लेकिन मियोसिस के केस में क्या होता है, डीएनए का जो पेयरिंग है वो हाफ हो जाती है क्रोमोसोम की, वो मियोसिस में होती है और एक सेल मियोसिस की डिविजन से चार सेल बनती है, ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है क्योंकि हाफ हाफ दोनों साइड से आ जाता है, हाफ हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम मेल साइड एंड फीमेल साइड। फोर्थ टाइप का आपका फ्री न्यूक्लियर डिविजन है कि साइटोप्लाज्म हो ही नहीं रहा है, एक से न्यूक्लियर दो में डिवाइड हुई, फिर ये दोनों फर्दर दो में डिवाइड हो गए, फिर फर्दर डिवीजन हो गई, तो लेकिन साइटोप्लाज्म आपका ग्रो तो कर रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म अगेन दो में डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको हम लोग फ्री न्यूक्लियर बोलते हैं। बडिंग आपका होता है, आउटग्रोथ होती है हल्की सी, ये आपकी आउटग्रोथ है। तो सिलेबस का पार्ट जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं सिर्फ आपका यहाँ पे माइटोसिस एंड मियोसिस है, उसी को ही हम लोग डिटेल में सारे स्टेजेस को एंड सिग्निफिकेंस को स्टडी करेंगे, माइटोसिस को स्टडी करेंगे एंड मियोसिस को। एक बार रिकॉल कर लेते हैं आज के सारे कंटेंट को, सबसे पहले हम लोगों ने किसको स्टडी किया था, सेल डिविजन क्या होता है, इसके बाद सेल साइकिल को स्टडी किया था, सेल साइकिल को हम लोगों ने दो फेजेस से डिवाइड किया था, इंटरफेज जिसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं और एम फेज। इंटरफेज की अगेन G1 फेज, S फेज एंड G0 फेज, इसको हम लोग ग्रोथ फेज वन बोलते हैं क्योंकि सेल साइज में बड़ी होती है, अपने डीएनए का अमाउंट नहीं, सेल साइज में बड़ी हो रही है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो आपका डुप्लीकेट हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है सेल की, प्रोटीन बन रहा है, आरएनए बन रहा है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है। ग्रोथ फेज टू में क्या होता है, सेल वो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करती है जो कि सेल डिविजन में एम फेज में काम आते हैं। इतना ही स्टडी किया, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।